साफ साफ मैं कहना चाहता हूं, आने वाले चुनाव चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है। ये लड़ाई दो परिवारों के बीच का लड़ाई है। एक परिवार नरेंद्र मोदी परिवार, दूसरे परिवार गांधी परिवार। नरेंद्र मोदी जी के परिवार में ईवीएम है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, ये चार, और नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। हमारी परिवार शहीद हुए इंदिरा जी, हमारी परिवार शहीद हुए राजीव गांधी जी, हमारी परिवार जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पदवी त्याग किए वीर वनिता सोनिया जी, हमारी परिवार देश के लिए जान का कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए राहुल जी, हमारे परिवार प्रियंका जी, हमारे परिवार लाखों करोड़ों कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, इस देश में देशभक्ति जितने लोगों को है सब हमारी परिवार। ये परिवार में देखेंगे नरेंद्र मोदी परिवार जीतेगा या गांधी परिवार जीतने वाले, देश के लिए शहीद हुए परिवार इस लड़ाई में जीतने वाले हम देखेंगे। हम टक्कर लेंगे बराबर, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी का परिवार से टक्कर लेंगे। ईवीएम को हरा देंगे, ईडी को हरा देंगे, सीबीआई को हरा देंगे, अदे वैसे ही इनकम टैक्स वाले को भी हम हरा देंगे। इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, नहीं है तो ये देश बचेगा नहीं। संविधान को बदलने के लिए नरेंद्र मोदी साजिश कर रहा है, ये रोकने के लिए आपके साथ पूरा तेलंगाना खड़े रहकर आपके मदद में हम रहेंगे। इस लड़ाई में हम शहीद हुआ भी कोई परवाह नहीं है, हम आपके साथ ये जंग लड़ेंगे। आप सब लोग तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? जो जो तैयार है सब खड़े रहो। आने वाले चुनाव में राबोये ఎన్నికల్లో राहुल गांधी तो నిలబడి రాబోయే యుద్ధంలో పోరాటం చేసే వాళ్ళందరూ చేతులెత్తి నిలబడండి, అందరూ చేయి పైకెత్తండి। జై కాంగ్రెస్, జై జై కాంగ్రెస్, అస్తం గుర్తుకే, అస్తం గుర్తుకే। తెలంగాణ నుంచి 14 మంది ఎంపీలను గెలిపేనికి సిద్ధమా? 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 జై కాంగ్రెస్, జై జై కాంగ్రెస్। ధన్యవాదాలు మిత్రులారా।